हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ncweb में एडमिशन लिया है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया, या जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, उनके मन में डाउट होगा कि एडमिशन होने के बाद आपका जो कॉलेज का आईडी कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है, वो कैसे बनता है। तो आइए इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, ncweb के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉलेज में सैटरडे या संडे को क्लास लेने के लिए जाना होता है। एंड इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड हो, क्योंकि विदाउट आईडी कार्ड एंट्री नहीं मिलती। बट क्योंकि आपका अभी न्यू एडमिशन है, तो आपको एडमिशन फॉर्म दिखाकर या आप कुछ भी एडमिशन का प्रूफ दिखाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आईडी कार्ड की, तो वो आपको कॉलेज में जब आप जाएंगे तो उनके द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा फिल करने के लिए, एंड आपको अपनी फ़ोटो देनी होगी पासपोर्ट साइज़। जब आप वो फॉर्म फिल करके फ़ोटो दे देंगे उनको, तो आपका आईडी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड जो है वो बनकर आ जाएगा। स्टूडेंट कार्ड बनने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तभी आपका आईडी कार्ड बन जाएगा, नहीं। आईडी कार्ड बनने में कुछ टाइम लगता है, क्लासेस स्टार्ट होने के लगभग 1 से 2 महीने के बाद आईडी कार्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप मानकर चलिए अभी आपको आईडी कार्ड के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कई स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा था कि क्या उसके लिए कोई वेबसाइट है जहाँ से अप्लाई करना होगा आईडी कार्ड के लिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है, आपको बस वेट करना है क्लासेस स्टार्ट होने का। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या करना है, ठीक है। एंड आपका आईडी कार्ड जब बन जाएगा, तो उस पर आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम, कोर्स, प्रोग्राम, ये सब लिखा होता है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आईडी कार्ड, एंड आईडी कार्ड एक ही बार बनता है, तो इसलिए आपको वो संभाल के रखना होगा, ठीक है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, लापरवाही कर देते हैं, खो देते हैं आईडी कार्ड, बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आईडी कार्ड एक ही बार बनता है, तो आपको वो संभाल कर रखना है। जब तक आप कॉलेज में पढ़ेंगे 4 साल तक, आपका वही आईडी कार्ड चलता है। तो आप मानकर चलिए आईडी कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज में एंट्री के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको यूज़फुल लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। एंड आपका जो डाउट था आईडी कार्ड को लेकर, वो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आपको बस क्लासेस का वेट करना है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आईडी कार्ड कैसे बनेगा। अभी आपको आईडी कार्ड के लिए कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना है। जब आप कॉलेज जाएंगे तो वही आपको जो फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, वही आपको फिल करना होगा, देन आपका आईडी कार्ड बनकर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।